स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे संस्थान MDTC विशाखापट्टनम में इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी कुछ झलकी आपको हम अभी चलकर दिखाते हैं बाहर। देखिए अभी तैयारियां शुरू हो गई है और ये राष्ट्रीय झंडा अभी ऊपर ले जाया जा रहा है। आज के इस समारोह के सजावट की जिम्मेदारी लोको पायलट सर को दी गई है। ये लोग मतलब सुबह से ही चारों तरफ ये बैलून लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छा सजावट कर चुके हैं अब तक। समारोह अब लगभग शुरू होने वाला है, सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं। ये स्टेशन मास्टर, ये हमारे लोको पायलट और इसमें गार्ड भी हैं, TMR। इस समारोह को सही तरीके से मनाने के लिए देखते जाइए, बहुत सारे लोग हैं। और ये हमारे मित्र भोला भाई, अभी भी ये न जाने किसी का टाई मतलब बना रहे हैं। ये भाई और ये हमारे काबिल मित्र। हेलो एवरीवन, हमारे सभी साथी आ चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण होगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ध्वज लगा हुआ है। काफी मतलब खुशनुमा माहौल है, सभी के चेहरे पर आज खुशी और उत्साह उमंग सब पूरी तरह से झलक रही है। बहुत ही अब मजा आने वाला है। देखते हैं हमारे मित्र प्रदीप जी, थोड़ा मतलब अभी इंतजार करना पड़ रहा है, कैसा मतलब कैसा महसूस हो रहा है अभी? वही आजादी मिलने से पहले जो होना चाहिए वही है। आप मतलब संघर्ष अभी कर रहे हैं लग रहा है ना? देखिए अभी संघर्ष जारी है, थोड़ी देर में ये झंडोत्तोलन होगा। एक बार आपको उधर लेकर चलते हैं झंडोत्तोलन की जगह, ऑन द साइड ऑफ। सभी लोग अभी प्रिंसिपल सर के आने का इंतजार कर रहे हैं और सभी के चेहरे पर उनका इंतजार सीधा मतलब झलक रहा है। मतलब लग रहा है कि 500 लगभग ट्रेनी है यहाँ पर, ये MDTC विशाखापट्टनम में, और सभी पूरे अनुशासन के साथ लाइन में लगकर प्रधानाचार्य का इंतजार कर रहे हैं। मोबाइल को साइलेंट कर लेना है सभी को, ताकि बीच में कोई भी व्यवधान ना आए जब राष्ट्रगान हो तो। हम लोग आज पहली बार 2 साल के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल के बाद हमारा नया प्रिंसिपल आज ज्वाइन हुए है, तो हम उनके स्वागत। सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक शिक्षा नहीं है हमारे देश में, समान शिक्षा, समान कानून नहीं है। हम सभी रेलवे स्टाफ का एक समस्या है, OPS एक बड़ा समस्या है। हमारे देश के नेता लोग 4-4 पेंशन ले रहे, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, 5 साल काम करके ही पेंशन लेते हैं हम लोग, 60 वर्ष काम करने के बाद ही पेंशन नहीं। इंकलाब, बोले ना इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, हिंदुस्तान।
ठंडा हो गया सर, स्नैक्स थोड़ी लेट लाने चाहिए। यहाँ पे कोई स्पीच दे रहा है वो भाग रहा है कि लड्डू मिल गए। चलो तो ये झंड तुलन का समारोह अब खत्म हो चुका है और थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ बांटी जा रही है। इसके बाद हम लोग जाएंगे रेड्डी सर का बर्थडे मनाने के लिए, क्लासरूम में जाएंगे और वहीं रेड्डी सर का बर्थडे होगा। देख रहे हैं आप मेरे पीछे जो भीड़ थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, सभी लोग धीरे धीरे अपने घर को जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद।